हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एजेट एग्रो में। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जितने भी हमारे 18,000 पीएससी वाले भाई हैं, सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि यहाँ से जो हमारे लोगों का जो मेडिकल है, क्योंकि मैं भी पीएससी में सिलेक्टेड हूँ, तो ये 26 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, बिल्कुल सही सुना। आपने सिर्फ थंबनेल पढ़ लिया और जैसे ही आपको थंबनेल कुछ लगा कि कुछ अट्रैक्टिव है, उस पर कुछ आपका चाहे सही न्यूज़ हो चाहे रॉन्ग न्यूज़ हो, जैसे ही आपने उसको देखा, आपको उसको क्लिक किया और वीडियो को देख लिया। अब देख तो लिया, वो तो ठीक है। अब आप यहाँ पर देखने के बाद एक चीज़ कन्फ्यूज़न में आ गए कि ये न्यूज़ सच है कि फेक। अब आप मेरी न्यूज़ को कैसे कह सकते हैं थंबनेल देख के कि ये मेरी न्यूज़ सच है कि फेक? जी मैं बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ और बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ दोस्तों। अभी तक मैंने आपको कितनी वीडियो प्रोवाइड की हैं, सब में मैंने आपसे कहा है कि कुछ करिए, ट्वीट कीजिए, शेयर कीजिए, हैशटैग लगा के शेयर कीजिए सभी को, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जितना भी आप यूज़ करते हैं सब जगह फैलाइए कि आपकी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंच जाए। क्योंकि यही एक टाइम है, अगर आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँच गई तो आपको यहाँ पे आपका हक मिल सकता है, वरना अगर इलेक्शन हो गए तो फिर आप चाहे हाथ मारे, चाहे पैर, चाहे लाठी खाएं, आपको नवंबर से पहले ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली। अगर आपको नवंबर से पहले ज्वाइनिंग चाहिए और मैं अपना मेडिकल करवाना है तो अभी आप एकजुट हो जाइए। हमारे 18,000 भाई हैं, जिसमें से 18,000 कम से कम 8,000 तो आ ही सकते हैं। हम एक मीटअप करने वाले हैं 21 तारीख को लखनऊ में, सुबह 10 बजे जितने भी भाई हैं आसपास के सब पहुंचिए और आप एकजुट होकर अपना जो मुद्दा है उसको पेश कीजिए वहाँ पे। क्योंकि अगर यही एक टाइम है कि अगर आप अपने आपस में अपने आप को मजबूत कर लेते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, तो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, वरना आपकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होगा। जैसे इलेक्शन ख़त्म होगा आपको एक साइड में कर दिया जाएगा, उसके बाद आपकी कोई नहीं सुनने वाला। अगर आपको भी ज्वाइनिंग चाहिए, अपना मेडिकल करवाना है, आपको अपनी जूनियरिटी सीनियरिटी को ध्यान में देना है, रखना है, तो आप अभी, आपको मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। अभी आप 21 तारीख को जितने आसपास के लोग हैं, जितना आ सकते हैं पहुँच सकते हैं, सुबह 10 बजे लखनऊ पहुँच जाइए, चारबाग रेलवे स्टेशन। अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या करना है, आप घर बैठे ही आप अपना काम कर सकते हैं। अपना आपके पास जितना ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जितना भी है, आप सब जगह शेयर कीजिए, सब जगह हैशटैग लगा के यूपी गवर्नमेंट, यूपी पुलिस, डीजीपी जितना भी है सबको हैशटैग करिए और एक हैशटैग लगाइए कि पीएससी ज्वाइनिंग नहीं तो वोट नहीं। हर जगह एक हैशटैग लगाइए और सबको टैग कीजिए उस पर। वो कैसे करना है वो सब कुछ मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ कि आपको ट्विटर पे आपको ट्वीट कैसे करना है, डीजीपी के से आपको कैसे ट्वीट करना है, डीजीपी के लिए आपको यूपी पुलिस जो हो गया और यूपी सीएमओ है ऑफिस के लिए कैसे करना है, योगी जी के लिए कैसे करना है। क्योंकि अगर आपकी आवाज़ अगर अभी तक सरकार के पास नहीं पहुंची तो आप लोग यहीं के यहीं रह जाएंगे और सिविल वाले जितने भी बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो सारे ज्वाइनिंग पे जाएंगे और अपनी ट्रेनिंग करेंगे। आप लोग सिर्फ उन अपना इंतज़ार करेंगे कि 6 महीने कब मेरा ख़त्म होगा और कब मेरी ज्वाइनिंग आएगी। अगर अभी आप, मैं कहता हूँ 6 घंटे अगर आप संघर्ष कर लें तो आपका जो 6 महीने का जो गैप है ये ख़त्म हो सकता है, अगर सभी लोग एकजुट हो जाएं सिर्फ 6 घंटे। मैं कहता हूँ गारंटी से कि यहाँ पे सारा जितना वेरिएशन है आपका, 6 महीने का ड्यूरेशन लंबा जा रहा है, ये सारा का सारा दूर हो जाएगा। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले सिविल वाले बच्चों की, जो सिविल वाले बच्चे हैं उनकी जेटीसी के लिए एक लिस्ट निकली है। उस लिस्ट में आपने देखा होगा, एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि जितने भी उनका जो जेटीसी सेंटर है डिस्ट्रिक्ट, वो सारा का सारा यूपी के अंदर ही करवाया जा रहा है। जब 23, और इसमें पहले इसमें बोला गया था कि हमारी जो यूपी पुलिस है इसकी ट्रेनिंग के लिए अदर स्टेट में भी सेंटर खरीदे गए हैं। जब अदर स्टेट में सेंटर खरीदे गए हैं उनमें कोई बच्चा भेजा नहीं जा रहा, तो वो तो सेंटर खाली हैं, हम लोग को वहाँ भेज सकते हैं, वहाँ ज्वाइनिंग करवा, वहाँ ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो हम लोग को ट्रेनिंग करने के लिए तैयार है, बिल्कुल फिट हैं, सब कुछ है, बट सरकार नहीं चाहती कि हम लोग अभी जाएं और ट्रेनिंग करें।
तो दोस्तों आपसे यही उम्मीद करता हूँ। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश कीजिए, जहाँ हर एक माध्यम से चाहे जैसे भी हो आप अपनी बात को उठाइए, ताकि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। अगर आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँची तभी कुछ होने वाला है, वरना कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, 6 महीने आप भी इंतज़ार करिएगा, हम भी इंतज़ार करेंगे। सरकार का क्या भरोसा है, यूपी है, यहाँ पर कुछ भी कल क्या हो जाए किसी का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, अब आपने कल जो लिस्ट निकली थी परसों, उसमें देखा होगा कि यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट भी नहीं काउंट किए गए, उसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट नहीं अलाट हैं। यूपी में भी अभी कुछ जगह खाली हैं। अभी 23,520 बच्चे थे तो उसमें 23,238 बच्चों को बुला लिया गया। उसमें तो कुछ अनफिट होंगे मेडिकल में, कम से कम नहीं तो 1,000 बच्चा उसमें अभी बाहर होगा। वो जगह जो खाली है आखिर वो किस लिए खाली रखी गई है, उसमें हम लोग को भेजते क्यों नहीं, हम लोग का मेडिकल क्यों नहीं करवाते, हम लोग का मेडिकल करवाने के बाद हम लोग की ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवा रहे हैं। ये 18,000 बच्चों का भविष्य का सवाल है और 6 महीने का। अगर सरकार को यही इतना लंबा जाना होता, अगर कोई सरकार की जो वोटिंग होगी अगर इसका रिजल्ट इतना टाइम में आना होता तो अब तक पता नहीं कितने कितना कुछ करते। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आता है कि एक वैकेंसी को अगर 3 साल लंबा घसीटा जाता है तो उस पर बच्चों का क्या असर पड़ता है, उनका फ्यूचर कितना बर्बाद होता है। भाइयों यहाँ पे कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, सब अपने मन की होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। अगर आपको अपनी आवाज़ उठानी है, आपको अपना हक चाहिए तो अभी आवाज़ उठा लीजिए, अभी मौका है, वरना आप भी बैठे रहेंगे, हम भी बैठे रहेंगे, सरकार तो बैठी ही है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको सिर्फ आपसे वोट चाहिए, वोट आपको वोट मिल गई आपको साइड में कर देगी लात मार के। ठीक है, अब आपको मेरी बात बुरा लगती हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ की दिक्कत हो रही है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करिए, कमेंट पे आपको ज़रूर इसका रिप्लाई मिलेगा। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके आप सभी लोग 21 तारीख को सुबह 10 बजे लखनऊ पहुँच जाइएगा, वहीं मिलेंगे सभी लोग। ठीक है, और 10 बजे से पहले ही पहुँच जाइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी 21 तारीख से पहले आप क्या कर सकते हैं वो चीज़ की अब बात कर लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप शेयर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, जितना भी आपके पास है, जहाँ भी है, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा भी, आप सब जगह शेयर कर सकते हैं कि आपकी आवाज़ जो है वो पूरे सरकार तक पहुँच जानी चाहिए। आप सरकार को लगना चाहिए कि हाँ बच्चे जागरूक हो गए हैं, वरना उसको सिर्फ वोट चाहिए, वोट मिल गई तो आपको साइड में कर देगी, आप बैठे रह जाओगे। चुनाव हो जाएगा, उसके बाद इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा रिजल्ट आएगा, उसके बाद वो अपने मंत्री बनाएंगे, कैबिनेट बनाएंगे, जो कुछ होगा सब उसी में लगे रह जाएंगे, और आप भी बैठे रहोगे, हम भी बैठे रहेंगे, कोई किसी का नहीं देखने वाला। तो बस आपसे उम्मीद करता था कि आपकी मेरी जो बात है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो धन्यवाद। अगर आप भी आपको लगता है कि हाँ वीडियो को शेयर करना चाहिए तो आप कर दीजिएगा, वरना आपसे मैं नहीं कहूँगा कि आप करिए या नहीं करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।